हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। फ्रेंड्स, ये वीकेंड है और आज 19 जुलाई 2019 के मार्केट क्लोज होने के बाद दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 की और साथ में एनालिसिस करेंगे इसके निफ्टी के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सेक्टर की भी एनालिसिस करेंगे ताकि होलिस्टिक व्यू एक बना सके आने वाले सप्ताह के बारे में जो मंडे को चालू होगा। सो दोस्तों, ये टाइम है वीकली इंडेक्स की एनालिसिस का और हम करेंगे आज निफ्टी और उसके सेक्टर की एनालिसिस। सो दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और दोस्त इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, केवल सब्सक्राइब करने से पर्पस या उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको बेल आइकन को भी एनेबल करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करें इंडेक्स की, उसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और एक नजर पहले देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है अपने देश में, निफ्टी में, सारे इंडेक्स में बहुत भारी गिरावट आई है दोस्तों। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमारा मार्केट इस तरह से गिरा है या इंटरनेशनल मार्केट की क्या दशा है, उसे भी जानना अत्यंत आवश्यक है। सिंस हम ये एनालिसिस आज फ्राइडे के दिन कर रहे हैं तो अभी भी यूरोपियन बाजार जो है वो खुले हुए हैं, जो आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइसेस मूव कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डैक्स को देते हैं। डैक्स का जो चार्ट है, जो एक जर्मनी का बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों, हम इसे अगर ध्यान से देखें तो आज इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये नीचे में इसका फॉल हुआ है। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है, जो पिछले सप्ताह में जब हम लोगों ने एनालिसिस की थी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी कि ये एक सपोर्ट बैंड है और अभी भी ये EMA 55 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल अभी ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बट कैप अप ओपनिंग के बाद में काफी गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं, कैक को देखते हैं, जो फ्रेंच इंडेक्स है, और इसमें भी हम देख सकते हैं कैक के इंडेक्स में कि इसमें एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी भी ये EMA 21 पे सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यूरोप के इंडेक्स को, जो FTSE है टॉप 100 यूरोप का, उसे देखते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था और कई बार ये पिन बार फॉर्मेशन करके ये दर्शा रहा है कि ये EMA 21 के ऊपर में सपोर्ट लेता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप बन रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है और ऐसा कोई मेजर वरी नजर नहीं आ रही है इस इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी ग्रीन टेरिटरी में है, मोर ओवर EMA 21 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते एशियन इंडेक्स पे, कॉस्पी जो एशिया का इंडेक्स है, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले सप्ताह हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बताया था कि ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है और ये सपोर्ट बैंड है, और आज इस इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है ये अपर फाइबर जो है सपोर्ट बैंड का,
इसको क्लोजिंग जो इसकी हुई है ये उसके ऊपर में हुई है, बट इसे डिसाइसिव ब्रेकआउट इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत माइनर पोर्शन जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर में है, क्योंकि क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों इस बैंड के ऊपर नहीं है और ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है जो मूविंग एवरेजेस इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेट 50 जो एक थाईलैंड का इंडेक्स है, इसमें भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको याद होगा दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन खींची थी और इस ट्रेंड लाइन को बोला था कि इस ट्रेंड लाइन पर ये देखिए यहाँ पर पहले ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी और इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद ऑल्दो इसने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया है, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले सपोर्ट थी अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी और इस लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। वंस अगर ये आने वाले मंडे के दिन अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर में होती है, तो देन ये ओवरऑल ट्रेंड हम देख सकते हैं कि बुलिश है, सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेडिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन इंडेक्स को एक बार नजर देते हैं। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं ये नैसडेक का चार्ट है, सिंस नैसडेक का ये हम देख सकते हैं कि 18 तारीख को ये सपोर्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट इस सपोर्ट एरिया के ऊपर में है जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कल प्राइस ने जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में कंप्लीट रिकवरी करके एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। आज दोस्तों इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है और ये इंडेक्स अभी 0.46% ऊपर चल रहा है। ये लाइव चार्ट है दोस्तों, अभी मार्केट चल रहा है फ्राइडे के दिन, देखना होगा ये मार्केट क्या क्लोजिंग देता है, बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। चलिए अब एस एन पी 500 की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर जो नैसडेक का स्ट्रक्चर था वही नजर आ रहा है, कल के दिन गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने कम्प्लीटली रिकवर किया और आज हम देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट बहुत माइनर तरीके से अपसाइड में है। अब देखना है कि क्लोजिंग क्या होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 के जो अलग अलग सेक्टर है उस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आज इतना मेजर फॉल हुआ है तो सारे सेक्टर को देख के समझना होगा, क्योंकि जब मेजर फॉल होता है तो मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले कंजम्पशन को देखते हैं, CNX कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन के प्राइस चार्ट पे, और हम दोस्तों देख सकते हैं ये सारी ड्राइंग जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये लास्ट वीक में जब हमने एनालिसिस की थी उस समय की ड्रॉ की हुई है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। और ये पिछले बार भी डिस्कस हुआ था कि अगर ये देखिए एक चैनल में जो एक फॉलिंग चैनल है उसमें ये ट्रेड कर रहा है, अगर इस चैनल के नीचे में ब्रेकडाउन होगा तो इसमें एक मेजर करेक्शन आने की संभावना है। आज की कैंडल इस चैनल के बाहर में क्लोज हुई है विच इज नॉट अ हेल्दी सिग्नल। हाउएवर डिसाइसिव ब्रेकआउट अभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि फिलहाल प्राइस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस चैनल के बाहर नहीं है। मोर ओवर हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, ये जो सपोर्ट बैंड में है। तो अब देखना ये है कि ये मंडे के दिन ओपनिंग अगर इस पर्टिकुलर चैनल के बाहर में हुई तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा फॉल इसमें नज़र आ रहा है और हम देख सकते हैं ये चैनल की जो विड्थ है कम से कम इतने फॉल होने की संभावना है। सो इट इज़ अ मेजर फॉल जो इसमें हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं रियलिटी सेक्टर को देखते हैं जो एक बुलिश ट्रेंड में था और हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी एक मेजर करेक्शन हुआ है पिछले दो दिनों में, ये काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे रेजिस्टेंस था, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया। सो संभवतः ये जो एरिया है ये
एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए, ये एक एरिया था तो इसके नीचे में क्लोजिंग हुई है, तो ये सपोर्ट बैंड के अंदर में है। अब देखना है कि ईएमए 55 पर सपोर्ट लेके ये रिवर्सल दिखाता है कि नहीं दिखाता है, वो की होगा वॉच करने के लिए आने वाले सप्ताह में, क्योंकि इसके पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे ईएमए 55 पर सपोर्ट लिया, इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, तो अभी तक फिलहाल पिछले प्राइस एक्शन को देख के समझ में आ रहा है ईएमए 55 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और हो सकता है मंडे को अगेन इसमें सपोर्ट ले, और ये देखने वाली बात होगी कि सपोर्ट लेके ये रिवर्सल देता है कि नहीं। इसमें गौर करने वाली बात एक और है दोस्तों कि प्राइस ने ये नया हाई बनाया, नए हाई बनाने के बाद ये करेक्शन हुआ, उसके बाद ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम ये दोनों कैंडल को कंबाइन करके देखें तो ये एक बेसिकली पिन बार का फॉर्मेशन है, टू डेज की कैंडल को अगर हम सिंथेसाइज करके देखें तो दोस्तों ये जो पिन बार का जो फॉर्मेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था और वो भी सपोर्ट एरिया से था, ईएमए 55 से। अब दोस्तों वर्चुअली अगर देखें तो इसे नया हाई बनाना चाहिए था इस जगह पे, लेकिन इसने इसे हम बोलते हैं फेल्ड टॉप। तो देखिए दोस्तों ये फेल्ड टॉप इसने बनाया और इसके बाद में ये करेक्शन हो रहा है, तो ये तो तय हो गया है कि ये जो करेक्शन हो रहा है ये करेक्शन कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो ये अगर एबीसीडी पैटर्न बनाता है, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि इसने बनाया है बट बनाने की संभावना है, तो दोस्तों अगर हम इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी अगर बोलते हैं तो इसका करेक्शन कहां तक संभव है होने का, तो ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये करेक्शन इस जगह तक आने का है जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। सो इसमें भी संभवतः अभी करेक्शन बाकी है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं CNX निफ्टी इंफ्रा के प्राइस चार्ट को। ये हम देख सकते हैं ये सारी जो लाइंस एंड ड्राइंग्स खींची हुई है दोस्तों, पिछली एनालिसिस को पिछले वीक की देखेंगे तो उसमें सेम लाइंस थी जिसी को फर्दर एनालिसिस में हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भी ये देखिए सपोर्ट बैंड में है, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार इसमें गिरावट आई है और ये सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों तो ये जो गैप नजर आ रहा है यहाँ पर, इस गैप को फिल करने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी और ये संभवतः ये जो ट्रेंड लाइन मैं खींच रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है जो कॉन्साइड कर रहा है एसएमए 233 से, हम यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी करेक्शन समझ में आ रहा है कि अभी संभवतः है, अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने ब्रीच किया तो कम से कम इस लेवल तक आने की संभावना है। अब चलिए दोस्तों हम मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, सॉरी मीडिया इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी मीडिया। ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये एक बेरिश ट्रेंड में है और हम देख सकते हैं कि इस जगह पे ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी, बट ईएमए 21 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद, इसके पहले भी यहाँ पे इसने ईएमए 21 को टेस्ट करके लो बनाया, इस जगह पे ईएमए 21 को टेस्ट करके लो बनाया, वंस अगेन हम प्राइस का रिजेक्शन देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि पिछले 4 दिन तक ईएमए 21 पे ये घूमता रहा और इसके बाद में सडनली आज हम देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग रेंज को एनगल्फ करके कैंडल इसने बनाया है, वो भी रिजेक्शन हुआ है जो ईएमए 21 से। तो दोस्तों ये बेरिश ट्रेंड में है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक के चार्ट को। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक में खींची थी और ये भी डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, बट दोस्तों हम देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ है इसमें और इस ट्रेंड लाइन के नीचे में इसमें क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां पर ये आता है क्या इसमें और फॉल होगा, स्ट्रक्चर देख के अच्छा महसूस नहीं हो रहा है दोस्तों, इसमें फॉल होने की संभावना है, इसलिए और संभावना है कि देखिए ये इस लेवल से लो है और ये फेल्ड टॉप इधर है। तो दोस्तों फेल्ड टॉप है और इसके अलावा ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है,
तो इसके गिरने की संभावना को रूल आउट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम इसे देखें तो ये टेरिटरी था जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये दोस्तों इसका फॉल, ये बहुत SMA 233 को टेस्ट करने की कगार पे मुझे नजर आ रहा है। तो लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ये भी एक वीक टेरिटरी में आ चुका है और इस जगह पे हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड जहां तक है वो बेरिश हो चुका है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि EMA 21 ने क्रॉस अंडर किया है EMA 55 को और ये कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है दोस्तों। EMA 21 ने आज क्रॉस अंडर सिर्फ EMA 55 को नहीं किया है बट SMA 89 को भी किया है। सो दोस्तों साइन इज नॉट गुड एंड इट इज लुकिंग वेरी वीक टुडे। देन दोस्तों हम चलते हैं मेटल पे। मेटल पे हमने पहले भी बात किया था, ये बेरिश ट्रेंड में है और ये हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकडाउन कर चुका है। ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस की तरह प्राइस रिजेक्शन हम देख सकते हैं। इस जगह में जाके इसने एक वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन किया और कंटिन्यूएशन आज का कैंडल जो है वो कंफर्म कर रहा है कि डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो चुका है इसका। और वैसे भी ये बेरिश ट्रेंड में है, सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे में ट्रेड हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में देखते हैं दोस्तों। ये ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी भी क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को अगर देखें तो EMA 21 EMA 55 के ऊपर है। तो दोस्तों अगर इसको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आज इसने क्लोजिंग दी है और ये कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है, EMA 55 पे भी इसने सपोर्ट लिया है और इस जगह पे भी हम देखें इसके पहले EMA 55 पे इसने सपोर्ट लिया है। अब ये देखना है क्या मंडे को अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब ये देखिए गैप जो है इसके फिल करने की संभावना बहुत बढ़ सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका है वो है दोस्तों, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये गैप को फिल करेगा। ये रेजिस्टेंस था, मल्टीपल रेजिस्टेंस हम यहाँ देख सकते हैं जो अब सपोर्ट की तरह इस जगह पे एक्ट करेगा। सो अगर ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों तो इसमें भी मेजर फॉल हो सकता है इस जगह तक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो ये है PSU बैंक का निफ्टी और इसमें भी हम देख सकते हैं ये जो एक ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेकडाउन हो चुका है और दोस्तों चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड। हाउएवर अभी भी प्राइस जो है वो SMA 233 के ऊपर है, इस जगह पे SMA 233 पे सपोर्ट लिया है। देखना है कि प्राइस इस जगह पे होल्ड करती है और या फिर ये गैप को फिल करने के लिए प्राइस 2950 तक आती है। तो चलिए दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर बेरिश दिख रहा है, सेंटिमेंट्स बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये एनर्जी सेक्टर को अब एनालाइज करते हैं। एनर्जी सेक्टर के चार्ट में हम देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है, इस लॉन्ग टर्म यहां पे सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और इसी जगह पे सपोर्ट पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। और इसके पहले हम देखें तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और ये सपोर्ट भी जो पहले का है वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा लार्ज करके देखें तो इसमें इस सपोर्ट लेने के बाद ये प्राइस में थोड़ा सा रिजेक्शन महसूस हुआ है और कैंडल जो है लो बनाने के बाद में थोड़ा सा ऊपर में क्लोज हुई है। अब ये देखना है क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और या फिर ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर में ट्रेड होता है। बट दोस्तों थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्मेशन, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लुकिंग वीक एंड अगर इसको हम एक और ट्रेंड लाइन खींचें तो दोस्तों ये अगर हम इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को खींचें रीसेंट प्राइस एक्शन को तो हम देख सकते हैं कि दोस्तों ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है दोस्तों, ये सब काफ़ी दिक्कत होगी ऊपर जाने में और ये
शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बेरिश ऑलरेडी हो चुका है. हम देख सकते हैं ईएमए 21 क्रॉस अंडर कर चुकी है ईएमए 55 पे. चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं. एंड दोस्तों वेरी डिसाइसिव ब्रेकडाउन इन मिड कैप. एंड अगर मिड कैप इंडेक्स में ये डिसाइसिव ब्रेकआउट है दोस्तों तो बहुत वीक सिग्नल है. हम देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन है और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन है तो दोस्तों इसका और डीपर करेक्शन होने की बहुत प्रबल संभावना है दोस्तों. और हम देख सकते हैं ये दोस्तों समवेयर यहां पे आने की संभावना है और एक इमीडिएट सपोर्ट इस जगह पे नजर जरूर आ रहा है. तो लेट अस सी. ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत वीक है दोस्तों एंड फर्दर फॉल इन कमिंग वीक पॉसिबिलिटी को रूल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. इट्स अ क्लियर ब्रेकडाउन. चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ऑटो इंडेक्स को देखते हैं. ऑटो इंडेक्स में पिछले सप्ताह में हमने सोचा था कि कुछ रिवर्सल होने की संभावना है क्योंकि हमने ये देखा था लोअर लो प्राइस बना रही है और यहाँ पर भी ये बुलिश डाइवर्जेंस नजर आया था. लेकिन ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को आज इसने डिसाइसिवली ब्रेक डाउन दिया है. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी भी हम देख सकते हैं मोमेंटम में उतना लॉस नहीं है कंपैरेटिवली क्योंकि अभी भी मोमेंटम जो है इंडिकेटर जो है ये इस लेवल के नीचे नहीं आया है. सो अगर हम इसे दूसरे तरीके से खींचे आई डोंट नो बिकॉज ये एक कंफ्यूजिंग इंडेक्स है ऑटो क्षेत्र का जहां पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डाउन ट्रेंड है बट क्या इसमें. चलिए एक बार वीकली चार्ट में इसमें नजर घुमाते हैं और यहां पर भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें अगर इस लेवल को चलिए इसका इमीडिएट लेवल खींचते हैं और ये लेवल अगर हमने खींचा तो ये एक सपोर्ट हो सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से क्योंकि अभी भी हम यहां देख रहे हैं कि इस जगह से इस जगह पे लो बनाया है लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर में अभी भी इसने लोअर लो नहीं बनाया है. सो स्टिल बुलिश डाइवर्जेंस है. पॉसिबिलिटी इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद विच इज 7040 इन ऑटो इंडेक्स लेट अस सी एंड वॉच बिकॉज बहुत सारे लोगों की नजर पड़ी है क्योंकि काफी करेक्ट हो चुके हैं ऑटो के स्टॉक्स लाइक मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड सो मेनी. सो लेट अस वेट एंड सी. प्राइस बहुत ओवर एक्सटेंडेड है. पुल बैक की संभावना तो नजर आ रही है और अगर यहां पर सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो देन बहुत डीपर एंड मेजर करेक्शन की संभावना है. बट आशा सिर्फ ये है क्योंकि मोमेंटम में वो लॉस नजर नहीं आ रहा है जो होना चाहिए इतने फॉल के बाद में. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. फार्मा के चार्ट को देखते हैं दोस्तों. ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में है दोस्तों फार्मा का इंडेक्स. यहां पे हम देख सकते हैं एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है जिसको लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था और इसे हम डेली चार्ट में देखते हैं तो और क्लैरिटी समझ में आएगी. ये डेली चार्ट में देख सकते हैं कि इनफैक्ट अगर इसको एक नैरो रेंज में अगर हम डबल बॉटम माने तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था बट प्राइस सस्टेन नहीं की और इसने फिर करेक्शन लिया. लेकिन स्टिल ये अभी भी सपोर्ट बैंड में है. ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है क्योंकि फार्मा क्षेत्र बहुत अधिक तरीके से करेक्ट हुआ है हम सभी जानते हैं. और दोस्तों ये अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन एक इंटरवीनिंग सपोर्ट होगा फर्दर फॉल में. चलिए अब आईटी क्षेत्र को देखते हैं. आईटी निफ्टी आईटी पे तो दोस्तों लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था और आपको बताया था अगर वीडियो को लास्ट टाइम के जाके देखेंगे लास्ट वीक के तो ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन यहाँ पे नजर आ रहा था और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन था
और ये बोला गया था कि इसमें माइनर पुलबैक की संभावना है, या तो ये इस ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करेगा और या फिर नेक लाइन को एक बार टेस्ट करेगा। और वही एग्जैक्टली हुआ कि इसने पुलबैक लिया, यहाँ पे आप देखिए नेक लाइन को टेस्ट किया और इसके बाद में फर्दर प्राइस का रिजेक्शन हम इसमें देख सकते हैं। सो दोस्तों ये भी एक वीक नजर आ रहा है फिलहाल, ये इंडेक्स जो है 15,383 पर है। और अगर इसके इसको अगर हम देखें, अगर ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बिहेव करता है दोस्तों, देखते हैं कहां तक फॉल होने की संभावना नजर आ रही है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 14,393 से 14,400। सो दोस्तों इसका मतलब 1,000 पॉइंट का और डाउनफॉल इसमें मुमकिन है, संभव है आज के डेट से। और ये यहाँ पर आ रहा है जो दोस्तों, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें लाइन को और समझने की कोशिश करें तो देखिए ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर का भी जो टारगेट आ रहा है दोस्तों, वो टारगेट जो आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड में आ रहा है। प्रॉब्ली इस जगह में आके फिर से इसमें डिमांड जनरेट होने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी पिछले सप्ताह में, और ये ट्रेंड लाइन कॉन्साइड कर रही है ये सपोर्ट पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये गैप को फिल करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। और अभी मैंने इस नई ट्रेंड लाइन को खींचा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट, इसका ब्रेक डाउन हुआ है दोस्तों। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी भी प्राइस एसएमए 233 के ऊपर में है दोस्तों, एसएमए 89 एसएमए 233 के ऊपर में है, ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर में है। बट दोस्तों अगर हम इस बैंड की बात करें तो ये इस नैरो बैंड में काम कर रहा था, और पिछले सप्ताह में हमने बात की थी ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि ये गैप भी सपोर्ट की तरह स्ट्रांगली एक्ट करेगा। बट दोस्तों इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अगर हम इस बैंड की विड्थ को मेजर करें तो डाउन साइड को अगर इसे प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों, तो इसका टारगेट यहां पर आ रहा है निकल के, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट लाइन खींची गई थी, जो आप देख सकते हैं इस जगह पे, जो एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा, और इसकी वैल्यू करीब आ रही है दोस्तों 28,900 से लेकर 28,800 के बीच में ये सपोर्ट लेने की संभावना इसमें नजर आ रही है दोस्तों। सो अभी फॉल फर्दर होने की संभावना को नहीं रूल आउट किया जा सकता है। चलिए अब फाइनली दोस्तों हम निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, और निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन हमने पिछले सप्ताह में खींची थी, ये सब लेवल पिछले सप्ताह के एनालिसिस में लिखे थे, ये एक सपोर्ट लेवल था, निफ्टी ने आज करीब करीब वहीं पे क्लोजिंग दी है। ये ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुई है दोस्तों, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। अगर हम वीकली चार्ट में एक बार जाके देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये काउंटर ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, और इसके बाद प्राइस ने ये जो ट्रेंड है, यहाँ सपोर्ट है, इस जगह सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और इस जगह पे सपोर्ट, ये अभी इसमें ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है कम से कम, लेकिन दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। ईएमए 21 ने आज ईएमए 55 को क्रॉस अंडर किया है, सो शॉर्ट टर्म ट्रेंड सर्टेनली बेरिश टेरिटरी में आ चुका है। अब दोस्तों अगर हम इसे देखें, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो ये प्राइस ने इस जगह पे ये बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इस जगह पे प्राइस आई, और फिर प्राइस दोस्तों यहां पे आई। अब दोस्तों अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से अगर हम देखें, तो इसमें हम
ये स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये फेल्ड टॉप है, और फेल्ड टॉप में अगर टारगेट के प्रिंसिपल को देखते हैं तो अगर हम इसे यहां से मेजर करते हैं दोस्तों, इस जगह से ऐसे मेजर करते हैं दोस्तों और इसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्शन 11,240 को, इसका मतलब है 11,400 को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया तो 11,250 पर प्राइस गिरने की संभावना बहुत अधिक है, और वो लेवल अगर टूटा तो दोस्तों 10,900 इज प्रोबेबली द नेक्स्ट लेवल। तो लेट अस सी एंड वॉच कि वेदर 11,400 के ऊपर प्राइस सस्टेन करती है कि नहीं करती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है स्पॉट पे 11,419 है। सो दोस्तों लेट अस सी एंड वॉच, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है 11,400 11,250, ये दो लेवल आपको सपोर्ट के एंगल से ध्यान में रखना है, और ऊपर साइड में अगर हम देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 11,640 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों 11,770। तो हमें ये अगले वीक का अगर हम रेंज की एनालिसिस करने की कोशिश करें तो रेंज हम बोल सकते हैं 11,250 से लेकर 11,600 और एट द मोस्ट 640, ये एक रेंज इमर्ज होके आ रही है, जो अभी अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि उसके जो डेटा है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगले आने वाले सप्ताह के बारे में, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है उसके हिसाब से। अगले सप्ताह में ऑप्शन चेन केवल इंडिकेट अगले आने वाले थर्सडे तक करेंगे जो एक्सपायरी का डेट होगा। सो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ये हम एनएससी की वेबसाइट पे आ गए, ये ऑफिशियल साइट है, और ये देखिए दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन जो एक्सपायरी 25 जुलाई को है उसका डेटा हम देख रहे हैं। पहले हम पुट साइड में देखते हैं दोस्तों, पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है 11,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो दोस्तों 11,300 तो अगले सप्ताह में सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस में अभी देखा चार्ट पर 11,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा था। तो दोस्तों 11,300 डिफेंड करने की संभावना बहुत अधिक है। अब हम कॉल साइड में अगर देखें दोस्तों तो ये कॉल साइड है, और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करें दोस्तों तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में दोस्तों नजर आ रहा है 11,600 पे, वी कैन सी हियर। सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 11,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा अगले वीक में। तो मोर और लेस जो प्राइस एक्शन में रेंज निकल के आ रही थी 11,250 से लेके 11,640, वही करीब करीब रिफ्लेक्ट हो रही है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। यहाँ पे 11,300 एक सपोर्ट है और 11,600 एक रेजिस्टेंस है, तो हम एक ट्रेडिंग रेंज मान के चल सकते हैं आगे आने वाले सप्ताह के पहले चार दिनों में, जो 25 जुलाई तक जो इसका एक्सपायरी है, कि वो ट्रेडिंग रेंज जो होगी 11,300 से लेके 11,600 तक एक ट्रेडिंग रेंज होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, ये प्रेजेंटेशन अगर पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके और उन्हें भी फायदा हो सके। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों सिर्फ सब्सक्राइब करने से पर्पज पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना होगा, ताकि हर आने वाले नए वीडियो के बारे में जानकारी को आप मिस ना करें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इस चैनल पे।
देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.